खुद बैठे देख रहे थे कि लास्ट सीरीज में ऐसा क्या करा कि सारा लोगों को इतना पसंद आया। और चलो वो तो कर दिया, अब ऐसा क्या करें कि और भी कुछ नेक्स्ट लेवल हो। तो गूगल बाबा को बोला, यार थोड़ी हेल्प करो, मदद करो बच्चों की, थोड़ा गाइड करो हमें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैजेट्स, बिकॉज जो हमें दिख रहा है, जो हमारा विजन है, वो आप तक पहुंचाना बहुत टफ हो जाता है। एंड सेकेंड चीज लुक्स, सॉरी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो फिर अपना टेंट का सामान पैक करा, थोड़ा और सामान पैक करा, फिर सोचा कि कुछ भूल तो नहीं रहा। मुझे ये मेरे दो अनवांटेड दोस्त दिखे, वैसे मेरे को इनकी कोई जरूरत है नहीं, बट सालों के बिना दिल भी नहीं लगता, तो रख लिया। चल दिए, आज रात को अमित के घर स्टे करेंगे, कल सुबह वहीं से निकलेंगे जैसे कि हमारा प्लान है। और मैं अपने प्लान पे बिल्कुल स्टिक रहता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। सुबह सुबह माँ के हाथ के चूल्हे की रोटी खाना ब्लेसिंग से कम नहीं यार, बहुत बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। देन वही अपना सामान उठाया, पैक करा, गाड़ी में रखा और निकल लिए। ये वाला रास्ता टफ होने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमारी ट्रैवल सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी अमित के घर पे यहाँ से निकल रहे हैं हम, और थोड़ा लेट हो चुके हैं, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। बट खाना वाना खा लिया हमने, चूल्हे का पराठे खाए बड़ी, और एकदम मस्त एनर्जेटिक निकलेंगे। और स्टॉप अब आई थिंक बहुत लेट लेंगे, तो यहाँ से निकलते हैं। सब कुछ पैक्ड है, रेडी है, लेट्स गो। कारगिल में आप जाओगे ना, प्रॉपर कारगिल में एक ग्रिप का कैंप है और रोड का। अच्छा। ऐसे जाओगे, इस साइड राइट साइड में है, और जब पाकिस्तान की दिया वही ना, जब पहले वो कति सारा एकदम बमबारी से सारा खत्म कर दिया। ये गाड़ी लेके जाओगे अपनी, ये देख लो। पहले हवाबाजी करते हुए टोल टैक्स आने वाला है। कौन से वाले में? कौन से वाले में? क्विड खड़ी कर लेगा। क्विड कहाँ खड़ी है? क्विड ये बीट है, इसमें दिखाना है कार्ड। अमित की हवाबाजी देखते हैं चलती है नहीं चलती। चल चल चल, चलो मेरे भाई। फुल पावर है अमित जी। ये कहाँ बचाएगा टोल, ही बता कहाँ तक चलेगी तेरी पावर? बस यहीं तक था। अरे यार दिल तोड़ दिया, मुझे लगा वहां तक चलेगी, श्रीनगर तक। चंडीगढ़ आने वाला है राहुल, अपना कार्ड निकाला। भाई पहली बार चंडीगढ़ गए थे, इसके राहुल का कार्ड दिखा के 3-4 जगह टोल नहीं दिया था। यही चलेगा, पास कोड है हमारा। चलो अब चलो भाई आगे चलो, हो गई हवाबाजी खत्म। लड़ो लड़ो लड़ो, बोलती तलवार। हो गई चालू, हो गई ट्रिप स्टार्ट हुई, दोनों चालू हो गए कुत्ते बिल्ली की तरह। हो गए अब आज देखते हैं मुंह को। ओए ड्राइवर के लिए मारना है भाई, ड्राइवर ड्राइवर ठोक देगा गाड़ी। भाई गेयर में आ रहा है मजा। छोटे पार्सल पैक कर जल्दी, छोटे ने मार रखा पूरा बड़ा पीस है, देना यार। लालची बालक, लालची बालक तू है, लालची। कोई बड़ा ज्ञानी इंसान होगा जिसने कल बोला घेवर खाने चलते हैं। मैं थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा भाई, थोड़ा बच्चा भाई, थोड़ा कोई बात भाई दे दे यार, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ले लेंगे और मिलेगा ना भाई ये वाला। और ये फिर और 1 किलो का डब्बा मान रखा है, वो भी उठा लाता। ये ना जी मत मारा, अगर किसी का खाने का जीव खान दिया अगर, तो ये मैंने देख खुद खा रहा है, देख अभी शर्म नहीं आई है भाई। कितना बड़ा नीतला यार अमित तू, हमें ये दिया तूने। अबे भाई वो देख कितना बड़ा खा रहा है, बीस थोड़ा और दे, और दे राहुल, तू ये खाते रहो। किस्तों में ये दे रहा मुझे, इतना बच रहा बस। 2 किलो लाया कल खरीद के, और देख किस्तों पे खा रहा हूँ, मिल भी नहीं रहा वह। एक पूरा डब्बा घर छोड़ के आए हैं। देख खोल लिया, देख खोल लिया, दिखाइयो मेरे को, बस ये दिखा दे कितना बचा है। भैन के थोड़ा सा बचा है, हरामी। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, तोड़ी आधा 3 हिस्से कर दे, माँ कसम खाए बराबर बराबर। चल चल लड्डू मैं खाऊं भी हूँ, मत खा तो, हमने कौन सा खाना है लड्डू, दे उसको भी। अरे नहीं, तीसरे हिस्से 3 हिस्से बटेंगे तेरे इसमें। भैन के कितना नियत लगा भाई मित्तू यार, बेनित्ते बेनित्ते पता भी है खुद को क्या है। भाई कुछ खाना है, लेना है? श्योर? पक्का? फिर ये मत बोलियो मेरे लिए केला नहीं लिया, मुझे नहीं मिला। केवर के हादसे के बाद से थोड़े सदमे में पेट भरा हुआ है, मुझसे ने पूरा दबा के खाया है। दो जनों का घेवर अकेले ने खाया, एकदम मुत पड़ा है देखो घेवर के नशे में दो इंसान। चलो भाई हम थोड़े ब्रेड व्रेड ले, जूस वूस ले, और क्या लेके आना है? जूस, ब्रेड, कुछ चिप्स, भुजिया, चखना 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 तो चाहिए, चखना चाहिए वीरे। बहुत बढ़िया लगा सर आपको, थैंक यू सर। ये भी कर दो, थैंक यू अंकल। अबे तेरे चक्कर में भी साइकिल वाले का हाथ पकड़ लेता। भाई आगे रोक के बनाएंगे कॉफी वॉफी, जुगाड़ ले आए सब। तेरी बाहर का मिनिमम खाना तेले लाऊं, चने दूध, ठीक है? इनको संभाल के रख चीजों को, आगे तेरे से हिसाब लिया जाएगा। एक पैकेज लेके चल रहा है, घर का होम, पूरा घर है भाई, होम स्टे। अगर होम स्टे है पूरा चलता फिरता होम स्टे, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। व्यवस्था करके चलनी पड़ती है जी, और बाहर का मिनिमम खाएंगे जितना कम हो सकता है। मैक्सिमम प्रेफर करेंगे कि अपने ही थ्रू हो जाए चीजें, और हम बजट भी थोड़ा कम कर रहे हैं, अपने पैसे बचा रहे हैं। कहाँ हम 80-80 रुपए की 3 कॉफी लेते मैकडी से, एक दूध लिया है और इसमें सब आ जाएंगे। ये हिला ले तो अच्छा हिलाता है, अमित भाई हिलाते हैं थोड़ी। हाँ अमित को दे, अमित अच्छा हिलाता है। अमित भाई अरे यार हिलाना भी नहीं आता, कैसे जी रहे हो तुम यार? जिम में नहीं जाते क्या? कहाँ से लुइस का ओवरटेक भाई, जगह दे थोड़ी सी। अरे मेरे को हल्की साइड मार दिया, छत उतर जाएगी तार की। दे दो सर जगह, दे दो सर प्लीज, सर दे दो सर, आई लव यू, थैंक यू। 5 किलोमीटर है पठानकोट में, पठानकोट पहुँचेंगे 5 किलोमीटर बाद। श्रीनगर का टारगेट था हमारा, पर श्रीनगर पहुँचेंगे रात के 11 बजे। कुछ नहीं घूम पाएंगे तो हम उससे पहले रुकेंगे कहीं, वो हमने भी डिसाइड नहीं किया। वो डिसाइड करना एक ये अमित का काम है, उससे पहले कहाँ रुकना है अमित डिसाइड करेगा। अमित ठीक है? ट्रेन में सफर कर रहे हो खिड़की बाहर। वेलकम गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर, द पैराडाइज ऑन अर्थ, अमरनाथ जी यात्रीज, जम्मू कश्मीर। हाँ जी सर, सर श्रीनगर, महाराजा गुलाब सिंह। भाई जम्मू एंटर कर चुके हैं, जम्मू में आते ही नेटवर्क हो जाता है खत्म, पर इस भाई की ऐश हो रखी है। ये ले आया पोस्ट पेड नंबर, और जो हवाबाजी प्रीपेड, सॉरी क्यों बता रहा है? अब ये तो पक्का डलेगा भाई, मैं बहुत गंदी चीज डाल दूं, मना कर दिया नहीं करना फोन भाई। मैं गया हूँ अपनी पीसफुल ट्रिप पे, देख भाई अब देख लो आप कौन क्या। भाई ये तो गलत बात हो गई, तू तो अमित बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। खत्म। गाइस आपको हम दिखाते हैं पंजाब की करवाई थार मॉडिफाइड। ऐसी मॉडिफाइड ना बस पंजाब में मिलती है थारे, दिल्ली में तो इनपे इतना गंदा फाइन लगेगा ना इस मॉडिफिकेशन पे। टायर देखो, उसके ग्रिल ऐड कर रखी है, अपना टायर का अलग से ऐड कर रखा है, छत भी चेंज कर रखी है। आगे से और तगड़ी दिखाता हूँ। ओ भाई साहब एक नंबर, नाइस वर्क भाई, नाइस वर्क। खींचो जो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक हमारे सोतू राम को दिखाइए, सो रहे हैं। मैंने पता है कितने किलोमीटर चला दिए अभी हमने, गैस कर कितने किलोमीटर हो गए होंगे? 491 किलोमीटर चल गए, 500 मतलब ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हो गए लगातार चलते हुए। बढ़िया चल रहा है, सही स्पीड में खींच दी। दिन के 4:30 बजे हैं। So guys, हम अभी पहुंच चुके हैं, जो ये है जम्मू का आउटर बाईपास। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, आउटर बाईपास पे है। मौसम अभी तक साथ दे रहा है, ट्रैफिक इतना है नहीं, और ये रूट मनाली वाले रूट से बेहद अच्छा है। 550 किलोमीटर चला ली गाड़ी, पर मनाली की तरह ऐसा कहीं स्लो व्लॉप इतना बुरा रास्ता नहीं है, पूरा हाईवे है, आराम से गाड़ी खींच सकते हो। तब से मैं ही चला रहा हूँ, इसलिए मैंने चेंज भी नहीं करा और बढ़िया मजा आ रहा है, थकावट लग नहीं रही है सच। सामू हमारा नींद पूरी कर रहा है, हमें एकदम मस्त दोस्त मिल गया पीनट बटर और कॉफी का। वो तो मस्त था, वो एनर्जेटिक सोर्स था। अभी थोड़े चिप्स विप्स है हमारे पास, पर इतने खाएंगे नहीं, और अगर कुछ मन करा तो शायद खा ले ढंग का। लेट्स गो। ये मिठाई के 2 डब्बे लाए हुए थे, इनसे हमने हैंड रेस्ट बनाया हुआ थार का। इसी बात पे एक लड्डू हो जाए। क्या खाओगे तो? एक मट्ठी जलेबी आपकी, आधा लड्डू और मट्ठी चाय। अरे यार एक इम्पोर्टेंट चीज, अपने जो टोल वाला होता है ना, इसका रिचार्ज कर लेना। हम भूल गए करना, तो हमारे पैसे हो गए खत्म। यहाँ पे गूगल पे से रिचार्ज नहीं कर सकते, तो मुझे लग रहा है हमें पूछना पड़ेगा उनसे रिचार्ज करते हैं कि नहीं। यहाँ पे सब लोग यार सेल्फी खिंचवा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उतर के देखें ऊपर है क्या। साबू भाई साहब हमारे बैठे अंदर, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। राहुल कह रहा है जूतों की टेस्टिंग होगी, हमने नए जूते खरीदे हैं। और जो लोग कह रहे थे ना कब तक जीजू के जूते पहन के काम चलाओगे, नए जूते ले लिए मैंने इसको भी दिलाए। बहुत सही टेस्टिंग होगी इसकी, कम्फर्टेबल बढ़िया। यहीं पर टेस्ट कर ले, पूरा ऊपर मौका नहीं मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। हमें उधर से यहाँ पे कुछ लोग सेल्फी लेते हुए दिखे, तो हम यहाँ पे आ गए। हमने देखा कि चलो बढ़िया है, अच्छा है, गाड़ी से उतर भी गए। और ऐसे ही पीछे खाई सी दिखी है थोड़ी सी, तो दिख रहा है ग्रीनरी अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, बट मजा आ रहा है। और अभी यहाँ से निकलते हैं आगे, क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है और हम नहीं चाहते रात हो, हम चाहते हैं दिन दिन में जितना ट्रेवल हो सके। अब की बार हम रात को ड्राइव करने की कम से कम सोचेंगे, मतलब ना ही हो तो बहुत ही बढ़िया। और अभी फ्रेश भी फील कर रहे हैं, तो लंबा खींच सकते हैं। चले गुरु। थोड़े से रोड शॉट की और अच्छे लेते हुए, बेहतरीन लेते हुए राहुल को छोड़ा टीले पे, और हम यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे सामने से और फिर आपको शॉट दिखाएंगे। रेडी राहुल? रेडी रेडी। बस आग लगाएंगे अब। ये श्रीनगर वाली टनल बहुत बढ़िया भाई, दुखी हो जाओगे, पूरे रास्ते नींद नहीं आई। इस ट्रक के पीछे नींद आ गई मुझे। और इस टनल में ना, मतलब एक ही रास्ता है, आप ओवरटेक तो किसी भी टनल में नहीं कर सकते हैं, बट ये बहुत लंबी है। और यहाँ पे ट्रैफिक रात को श्रीनगर में अगर आप आ रहे हो तो शाम को यहाँ ट्रक चलने स्टार्ट हो जाते हैं और भाई जम के ट्रैफिक मिलता है। अभी जस्ट थोड़ा सा ट्रैफिक कवर किया है, टनल ने थका दिया मुझे। मेरा कोई सहारा, कॉफी वॉफी बना के पिला दो मुझे कोई। मेरे साथी लोग कॉफी बनाओगे? चाय बनाएंगे, चाय। साबू आज हाइबरनेशन में गया हुआ है, ना खा रहा है ना पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा। साबू कितने दिन के लिए हाइबरनेशन में? घंटों के लिए, दिनों के लिए हाइबरनेशन में आ गया। भालू वालू होते हैं ना, जो बड़े जानवर होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए अनवन त्याग के ऐसे बैठे रहते हैं, ना वो सोते ना वो जगते, वो सब पड़े रहते हैं ऐसे। तो तू उसी हाइबरनेशन वाली प्रोसेस में है सुबह से। गाइस देखो, अभी मैं जाम की बात कर रहा था, एक ट्रक स्लो चल रहा है, उसकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। क्या कर सकते हैं, वो हैवी लोड वाला ट्रक है, वो चलेगा 10 की स्पीड से। अब हमें भी चलना पड़ेगा 10, देखो 10 भी नहीं, 10 से भी नीचे गए, देखो वो लग गई बात। चलते रहो वैसे ही। अगर आप ऐसे फंस गए किसी लोड वाले ट्रक के पीछे, तो फिर तो भाई साहब टनल के अंदर ही दी एंड है जी। वो खत्म हो गई। ओ भला हो तेरा भाई, एंटर किया था एकदम साले उसमें, उजाले में, रात हो गई। होने दे, अभी एक और टनल लग गया। काफिला खत्म हुआ, काफिला खत्म नहीं, आगे चल रहा है। देखिए मैप चल गया, बाहर आता है, जीपीएस सिग्नल से चलता है मैप। तो अभी जीपीएस अंदर आ नहीं रहा था, पिछली बार की तरह होटल की दिक्कत होगी वापस। पहले से होटल देख लो भाई। घुटने का है, घुटने मेरे तो गाय तक हो गए, घुटनों की दही जम गई भाई। बट स्कॉर्पियो ने सही किया अपने साथ भाई, आज स्कॉर्पियो वालों का साथ था भाई। ये घुटना तो गया भाई मेरी ना, करोल बाग से नहीं, ये ऊपर की हेड कटोरी होती है, लगवा दो भाई, घुटनों की दही जम गई भाई। फुल ब्लाइंड खेल रहा है स्कॉर्पियो वाला, फुल ब्लाइंड, 3 पत्ती खेल रहा था वो, गाड़ी धोने चला रहा था। यहाँ पे रुके, लास्ट टाइम भी देखा था एरिया, यहाँ पे ट्रक वाले रुकते हैं, चाय वाय पी ले थोड़ी, बहुत थक गए हैं। तब तक हमारा जो लास्ट टाइम हमने होटल किया था उसका हमने नंबर ले लिया था, योनस बिजनेस का, तो उसको फोन मिलाएंगे कि भाई होटल करवा दे। किस्मत इतनी बेकार है ना, पिछली बार भी रात को श्रीनगर 1 बजे पहुंचे थे, अब भी 1 बजे पहुंचेंगे। और श्रीनगर में 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं खुला होता, सब बंद होता है। तो चलते फिरते किसी ने आपको होटल दिला दिया तो दिला दिया, अदरवाइज नहीं। पिछली बार योनस मिला था। हाँ, योनस मिला था। योनस हमारे लिए मसीहा बन के आया था, पर मसीहा ने अच्छे पैसे लिए थे। अब फिर उसे फोन किया, जगाना पड़ेगा मसीहा को, वापस जगाना पड़ेगा। एक मसीहा हमारा टैप बोला पड़ा है, मसीहे वो हैरी पॉटर भाई, हैरी पॉटर वाले चश्मे इसके। मसीहे भाइयों की फट गई, तुझे नींद की पड़ी है या भाई? भाइयों के करोल बाग से भाइयों के घुटने नहीं लगेंगे, तुझे नींद की पड़ी है, आजा कुछ खिला दूं भाई, भाई कुछ तो खा ले। क्या चक्कर है, किस बात की नाराजगी है? तो फिर खा क्यों नहीं रहा? सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ तूने, जूस पी ले, केला खाएगा, केला तो पसंद है तुझे। भाई गलत हो रहा है भाई, हमारा कुछ खा नहीं रहा, या तो इसके पेट में दिक्कत है। भाई की 2 बार टाट बज गई, 2 बार आवाज आई टन टन एकदम फुल। ओए मुंह तारा बड़ी तेरी जाए। अंकल जी चाय मिल जाएगी? हाँ ठीक है। मालपुड़े, मालपुड़े अंकल जी 2 चाय कर दो, और ना पत्ती तेज रखना, कोई बात, चीनी कम, कोई बात, हल्की सी अदरक डाल देना। और कुछ ब्रेड हम आपको दे देंगे, तवे पे सेक के खिला दोगे? हमने कमाल करते हुए है। हाँ लाओ जी, कम ने सेक, बैठो अंदर, बैठने के लिए जगह है, बैठो। खींचो खींचो सूखे ब्रेड चाय। कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, सो जाएंगे आके। 1.5 घंटे में पहुंचेंगे सीधा चित। आस्ते आस्ते नस में नस चढ़ गई। रुक जाओ 1 सेकंड। आस्ते से नस में चढ़ गई। नस में नस चढ़ गई। यार कहाँ कहाँ? अपनी सीट पे। एक बात बता। पजामा ये कितनी है? भाई मुश्किल से नीचे, भाई मुश्किल से नीचे उतरा, नीचे उतरते, नीचे उतरते नाली में। अरे यार एक पूरा। राहुल, राहुल तू क्या बोल रहा था, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? समतल सा सीधा सीधा रोड होगा, देखा हाथ पकड़ा सीधा। यार अमित जी कहाँ खोए हुए हो? अमित जी कहाँ हो आजकल आप? चलो चलो यार, सारे ट्रकों को ओवरटेक किया था, सब आगे निकल गए। वापसी जा रहे हैं सर, अब क्या कर सकते हैं सर? इससे आगे भी ऐसा ही है, हमें तो आगे, हम तो कारगिल तक भी जाएंगे, कल निकलेंगे दिन में कारगिल तक। तो वहाँ से नहीं, बस यही कश्मीर, यहाँ से ही दिक्कत है एंटर करने में। ठीक है सर, ठीक है। वहाँ से आप कहीं भी टाउन से उस पर कहीं भी बैठ सकते हो आप रात के लिए। अच्छा अच्छा। अगर वहाँ पे होटल वोटल है ना आगे, वहाँ पे रात गुजारो। 6:30 यहाँ मतलब पहुँचना यहाँ। थैंक यू सर। कह रहे हैं फोर्स हटा दिया, वे रोड सेफ नहीं है, टूरिस्ट अलाउड नहीं है। आपको किसी ने बताया नहीं? हमें किसी ने बताया नहीं, वही बात, अलाउड नहीं है। अब आगे से नहीं छोड़ा, नहीं सुबह जाना पड़ेगा। तो आपके साथ ही रुक जाए, चलेगा? हैं यहाँ रुक जाएंगे, चलेगा? चल पड़ेगा, नहीं आराम कर लेते हैं। यहाँ से निकल जाएंगे 6:30 बजे। 6:30 में 6 से 7 टनल बंद होता है, 5 बजे चलेगा। 6 से 7 1 घंटा टनल बंद होता है, सफाई चेकिंग होती है, मशीनें लगती है। वो कह रहे हैं कि 6:30 के बाद एंट्री करवाएंगे, उससे पहले घुसने नहीं देंगे। तो भाई अमित जी हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिस ढाबे से चाय पी थी हम, उस पर मैं और राहुल सो रहे हैं। अंदर अंदर गया तो बंद ही कर रहे हैं ना, बंद कर देंगे, शटर लगा देंगे, पूरा का पूरा शटर लगा देंगे। सही बनाया हुआ वैसे तो, लेटने में लेटा तो जाएगा ना। तो अमित जी गाड़ी में सोएंगे क्योंकि सामान बहुत सारा है गाड़ी में, और डर है यहाँ पे सारे ट्रक वाले, बाई चांस कोई शीशा तोड़ के ले गया सामान तो ले गया। लैपटॉप है, कैमरा है, लग जाएगी लंबी चपत, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो अमित हमारे लिए बलिदान देते हुए, हम उस तंबू के अंदर, अमित जी यहाँ पे सोते हैं। भाई आज का ठिकाना हमारा ये, आज रात का, कल सुबह पूछेंगे। आप भी आना तो आपके लिए लेसन होगा, हमें मिल गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अंकल ने हमारी हेल्प कर दी, अंकल ने हमें आज सोने का ठिकाना दिया। आजा राहुल, कंबल में जल्दी से, आजा आजा। चलो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। चलिए कट्टे वालों से, कट्टे वाला सुबह मिलते हैं, यहीं सोएगा तो साथ में? हाँ हाँ बिल्कुल, साथ में सोएंगे।